कोनिचिवा ओहायो जापानीज में आप सबका वेलकम। थंबनेल से आप लोग जान ही चुके हैं कि ये वीडियो N5 लेसन 17 के ग्रामर एक्सप्लेनेशन के बारे में है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ग्रामर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वर्ब नाई फॉर्म, और फिर नंबर 2, 3 और 4, इनमें नाई फॉर्म से बनने वाले 3 अलग अलग ग्रामर पैटर्न्स। फिर नंबर 5 में एन ऑब्जेक्ट वा, नंबर 6 एन टाइम मादेनी वर्ब। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है आपको कितना समझ आया वो टेस्ट करने के लिए, ताकि आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सके कि इस वीडियो से आपको कितना समझ आया। और अगर वीडियो देखते हुए आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक तो जरूर बनता है ना। और साथ ही जिन लोगों ने ओहायो जापानीज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला ग्रामर पॉइंट वर्ब नाई फॉर्म। तो वर्ब का नाई फॉर्म कैसे बनाया जाता है वो जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है वर्ब का 3 ग्रुप होता है, इची ग्रुप, नी ग्रुप, सन ग्रुप। लेसन 14 में इन ग्रुप्स के बारे में पहली बार हमने डिस्कस किया था। सो पहले देखते हैं ग्रुप 1 यानी इची ग्रुप में क्या चेंजेस होते हैं। इची ग्रुप, तो कुछ हम वर्ब्स ले लेते हैं जो इची ग्रुप के हैं, ठीक है। जैसे इकीमास, माचीमास, नोरीमास, नोमीमास, इसोगीमास, काईमास, असोबीमास, काशीमास। तो इची ग्रुप में जो मास फॉर्म है यानी मास से पहले वाला जो पोर्शन है वो हमेशा ई साउंड पे खत्म होता है। हिरागाना चार्ट के ई लाइन पे ये सारे वर्ब्स, इन सारे वर्ब्स का मास फॉर्म खत्म होता है, ठीक है। ये सारे ई लाइन के हैं, इनको हमें क्या करना है, आ लाइन में चेंज करना है, ठीक है। आ लाइन में चेंज करना है, ई लाइन टू आ लाइन। तो इकीमास, इकीमास का क्या हो जाएगा, इकी जो ई साउंड है यानी की को हमें का करना है, ठीक है, की का में चेंज हो जाएगा। और साथ ही मास फॉर्म के साथ नाई ऐड करना होता है, इका और नाई। तो इकीमास का इका नाई, इकीमास इका नाई। इसी तरह माचीमास माता नाई, क्योंकि ची का जो आ साउंड है वो है ता, ठीक है, माचीमास माता नाई। नोरीमास नोरा नाई, नोमीमास नोमा नाई, इसोगीमास इसोगा नाई, काईमास। तो काईमास में क्या है, तो काईमास में ई है, ठीक है। तो ई का आ साउंड क्या होना चाहिए था, आ, लेकिन काईमास का क्या हो जाएगा, वा। काईमास का ई वा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो काईमास हो जाएगा कवा नाई। नेक्स्ट असोबीमास असोबा नाई, काशीमास कासा नाई। तो लगभग हर साउंड का हमने कर लिया। यहाँ पे ते फॉर्म की तरह हर एक साउंड का अलग अलग रूल नहीं है, जो सारे वर्ड्स है उनके ई साउंड को हमें आ साउंड में चेंज करना है। एक्सेप्शन बस ये है कि जहाँ पे भी मास फॉर्म में ई आता है वो हमेशा आ नहीं वा में चेंज होगा, ठीक है। ओके, आफ्टर इची ग्रुप हम चलते हैं नी ग्रुप की ओर। ग्रुप 2 में क्या होता है, जस्ट पुट नाई विद द मास फॉर्म। बहुत ही इजी है, जो मास फॉर्म है उसके साथ हमें नाई ऐड करना है, ठीक है। मास फॉर्म को कुछ चेंज नहीं करना, जैसे ताबे मास हो जाएगा ताबे नाई, ठीक है। मास फॉर्म ताबे, उसके साथ हमने नाई ऐड कर दिया, ठीक है, ताबे मास ताबे नाई। ने मास ने नाई, वासुरे मास वासुरे नाई। और कुछ कुछ ई साउंड है जो मास फॉर्म में है वो नी ग्रुप में आ जाता है, जैसे मीमास शाओ अभिमास का अभिमास, ठीक है। इसी तरह ओकीमास जो गेट अप यानी उठना जगना होता है वो कहाँ आता है, नी ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इसी तरह मीमास भी नी ग्रुप में आता है, सो मीमास के साथ भी सेम रूल अप्लाई होगा जो नी ग्रुप के साथ अप्लाई होगा, मीमास मीनाई, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 3, ग्रुप 3 में भी बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने ग्रुप 2 में चेंज किया था। तो ग्रुप 3 में 2 वर्ब्स है, किमास और शिमास, ठीक है। एक एक्सेप्शन याद रखना है यहाँ पे, किमास यानी कम आना, उसका जो नाई फॉर्म होगा वो हो जाएगा कोनाई, ठीक है, किमास कोनाई। और बाकी सेम एज इट इज होगा, शिमास शिनाई। किसी के साथ अगर शिमास आ रहा है वो भी सेम होगा, जैसे शुचो शिमास शुचो शिनाई, ठीक है। तो आई होप नाई फॉर्म कैसे बनता है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
तो अब चलते हैं सेकंड पैटर्न की ओर, जब हम नाई फॉर्म से कुछ अलग पैटर्न बनाएंगे। तो वर्ब नाई फॉर्म नाई दे कुदासाई, ये क्या होता है? With this expression, we ask or instruct someone not to do any specific action. कोई कार्य नहीं करने के लिए, ठीक है? अगर हम मना कर रहे होते हैं तब ये पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है? जब हम कुछ करने के लिए बोलते हैं तब हम यूज करते हैं ते फॉर्म प्लस कुदासाई, और अगर हम नहीं करने के लिए बोलते हैं तो यूज करेंगे नाई फॉर्म और उसके साथ दे, नाई दे कुदासाई, ठीक है? इसका मतलब प्लीज डोंट ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। प्लीज डोंट स्टैंड ऑन द चेयर, कुर्सी के ऊपर खड़े मत होना। तो हम मना कर रहे हैं कोई चीज करने के लिए तो ये फॉर्म आएगा। तो अगर नाई दे कुदासाई है तो वो हमेशा एंड में आएगा, ठीक है? सेंटेंस के एंड में आता है नाई दे कुदासाई, जैसे ते कुदासाई आ रहा था। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑन द चेयर उसको क्या कहते हैं वो जानेंगे, ठीक है? ऑन द चेयर इसु नो वेनी, चेयर यानी इसु, तो इसु नो वेनी। और स्टैंड अप का जैपनीज होता है ताचीमास, ठीक है? टू स्टैंड ताचीमास। तो ताचीमास का हमें नाई फॉर्म और उसके साथ दे कुदासाई यानी नाई दे कुदासाई ऐड करना है। तो ताचीमास का क्या हो जाएगा, ताता नाई दे कुदासाई। इसु नो वेनी ताता नाई दे कुदासाई। प्लीज डोंट स्टैंड ऑन द चेयर इसु नो वेनी ताता नाई दे कुदासाई, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। प्लीज डोंट राइट विथ रेड पेन, रेड पेन से मत लिखना। सो यहाँ पे भी हम मना कर रहे हैं। सो रेड पेन को क्या बोलते हैं, आका पेन, ठीक है? आका ही होता है रेड का, और साथ में कोई नाउन अगर हम यूज कर रहे होते हैं तो उसको आका बोला जाता है, ठीक है? कभी कभी आकाई भी यूज हो जाता है। सो इसका हो जाएगा आका पेन दे, अगर किसी चीज से कोई एक्शन हो रहा है तब हम क्या करते हैं, दे पार्टिकल यूज करते हैं, ठीक है? आका पेन दे। और फिर काका नाई दे कुदासाई, काकी मास का काका नाई हो गया, ठीक है? आका पेन दे काका नाई दे कुदासाई, ठीक है? हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं विथ नाई दे कुदासाई। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। थर्ड पैटर्न है वर्ब नाई फॉर्म नाकेरेबा नारीमासेन। ये थोड़ा पहले पहले बोलने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नाकेरेबा नारीमासेन, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये आ जाता है। सो यहाँ पर होता है दिस एक्सप्रेशन मीन्स समथिंग हैज टू बी डन रिगार्डलेस ऑफ द विल ऑफ द डूअर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन करने वाला होता है, कार्य करने वाला होता है, अगर उसकी इच्छा ना भी हो, विल यानी इच्छा, अगर उसकी इच्छा ना भी हो तो भी उसको करना पड़ेगा, ये बोलने के लिए हम ये पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है? और एक चीज नोट करने वाली है इसमें कि अगर नारी मासन है तो सबको दिमाग में आ जाता है कि ये नेगेटिव है, ठीक है? लेकिन नहीं, दिस डजंट हैव एनी नेगेटिव मीनिंग। नाकेरेबा नारी मासन, चाहे इसमें मासन आ रहा हो एंड में, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस है, ठीक है? नेगेटिव सेंस में ये यूज नहीं होता। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। I have a little fever, but I have to go to work. मुझे थोड़ी सी बुखार है लेकिन मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है? हमें करना ही पड़ेगा, अगर बोलना है कुछ तब हम ये पैटर्न यूज करते हैं। तो इसका क्या होगा, I have a little fever, यानी सुकोशी नेत्सुगा अरिमास गा, लेकिन काम पे जाना शिगो तो नी इकिमास। सो इकानाई, इकिमास का क्या हो जाएगा, इकानाई है नाई फॉर्म, तो नाई फॉर्म को हमें नाकेरेबा नारीमासेन करना है। तो शिगोतोनी इका नाकेरेबा नारीमासेन, इकी मास का इका नाकेरेबा, ठीक है? इका नाई होता है, ठीक है? पहले हमें नाई फॉर्म में ले जाना है, माइंड में ही हमें इसको नाई फॉर्म में ले जाना है, और उसके बाद नाई को हटा के नाकेरेबा नारीमासेन यूज करना है। क्लियर? सुकोशी नेत्सुगा अरिमासगा शिगोतोनी इका नाकेरेबा नारीमासेन। नेक्स्ट, I have to wake up at 6 a.m. tomorrow. कल सुबह मुझे 6 बजे उठना ही है, ठीक है? उठना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, आश्ता आशा रोकूजी नी, उसके बाद ओकीमास, वेक अप के लिए क्या होता है ओकीमास। तो ओकीमास दो है, ठीक है? एक इची ग्रुप का और एक नी ग्रुप का। जो इची ग्रुप का है ओकीमास, उसका मतलब होता है टू पुट, रखना, ठीक है? कुछ रखना। और जो नी ग्रुप का ओकीमास है उसमें है टू वेक अप, ठीक है? क्योंकि हमें अलग अलग रूल्स अप्लाई करने हैं इची ग्रुप और नी ग्रुप में, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ब किस ग्रुप में है।
ठीक है। अभी हम ओकीमास जो नी ग्रुप का है वो यूज कर रहे हैं, सो ओकीमास का नाई फॉर्म क्या होगा, ओकीनाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा ओकीनाकेरेबा नारीमासेन, आश्ता आशा रोकुजीनी ओकीनाकेरेबा नारीमासेन, ठीक है। ओकीमास का ओकानाई नहीं होगा क्योंकि वो हो जाएगा रखना, ठीक है। क्लियर होना पड़ेगा माइंड में कि वर्ब कौन से ग्रुप में है, ये पहले जानना जरूरी है, ठीक है। बाकी नाई फॉर्म के साथ हमें नाकेरेबा नारीमासेन यूज करना है नाई को हटाकर। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए फोर्थ पैटर्न की ओर, वर्ब नाई फॉर्म नाकुतेमो ई दिस। दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब इज नॉट नेसेसरी टू बी डन। तो जो एक्शन बताया जा रहा है वो करना जरूरी नहीं है, करो तो भी चलेगा ना करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं नीड नॉट, नहीं चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। सो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देयर इज नो नीड टू हरी, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है अभी। सो देयर इज नो नीड टू हरी, हरी के लिए वर्ब है इसोगीमास। सो इसोगीमास का हमें नाई फॉर्म लेना है और उसके साथ नाकुतेमो ई देस एड करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसोगा नाकुतेमो ई देस जिकांगा ताकुसान आरिमास, इसोगा नाकुतेमो ई देस जिकांगा ताकुसान आरिमास, ठीक है। नाकुतेमो ई देस, अगर हिंदी में इसको हम थोड़ा सा रिजेम्बल करने की कोशिश करें तो इसोगा नाकुतेमो ई देस, तो ये कैसे बोल सकते हैं हिंदी में, जल्दबाजी ना करो तो भी ठीक है, ठीक है। अगर जल्दबाजी नहीं करोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें पता है मो हम भी के लिए यूज करते हैं, वताशी मो इकीमास, मैं भी चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जल्दबाजी नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो भी ठीक है, ओके। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, यू डोंट हैव टू स्टडी टूडे, आज तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे क्यों वा बैंक्यो शिनाकुतेमो ई दिस, आज पढ़ाई नहीं करोगे तो भी ठीक है। तो हिंदी से इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वैसे तो जो थर्ड पैटर्न था नाकेरेबा नारीमासेन, उसको भी हम हिंदी में इस तरह से रिजेम्बल कर सकते हैं कि नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। नाकेरेबा नारीमासेन, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, यानी करना ही पड़ेगा। तो इसको भी हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न है नाउन ऑब्जेक्ट वा। इन लेसन 6 यू लर्न दैट पार्टिकल ओ इज अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट। वैसे हमने लेसन 6 में पढ़ा था कि हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ हम पार्टिकल ओ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या सीखेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ पार्टिकल वा लगाएंगे और उसको हम टॉपिक में चेंज कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम टॉपिक बना देंगे, विथ पार्टिकल वा यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू टॉपिक, टॉपिक में चेंज हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, तब वो टॉपिक की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे कोनो मिसे दे पान ओ काइमास, मतलब आई बाय ब्रेड एट दिस स्टोर, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है। अब इसको अगर हम इस तरह से बोले पान वा कोनो मिसे दे काइमास, तो अब हमने क्या किया है, पहले ऑब्जेक्ट के साथ हमने ओ यूज किया था, ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट के साथ वा यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा एस फॉर ब्रेड आई बाय इट एट दिस स्टोर, मतलब हम यहाँ पे स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं कि अगर ब्रेड की बात कर रहे हैं तो मैं इस दुकान से खरीदती हूँ, ठीक है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि मैं इस दुकान से ब्रेड खरीदती हूँ, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली थोड़ा स्ट्रेस के साथ बोलते हैं पान वा कोनो मिसे दे काइमास, अलग अलग दुकान से मैं कुछ और खरीद भी सकती हूँ, लेकिन अगर ब्रेड की बात हो तो मैं हमेशा इसी दुकान से खरीदती हूँ, किसी और दुकान से नहीं, ठीक है। सेंटेंस सेम है लेकिन उसको बोलने का तरीका, उसको बोलने का जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कोको दे ओसाकेओ नोमानाई दे कुदासाई, मतलब क्या है, प्लीज डोंट ड्रिंक एल्कोहल हियर, यहाँ पे एल्कोहल मत पीजिएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट प्लस ओ। अब इसको हम इस पैटर्न में कैसे बोलेंगे, ओसाके वा कोको दे नोमानाई दे कुदासाई, ओसाके अभी यहाँ पे टॉपिक बन गया है, क्या, एज फॉर एल्कोहल डोंट ड्रिंक इट हियर, अगर एल्कोहल की बात है वो आप यहाँ मत पीजिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज आप पी सकते हैं,
बट अल्कोहल यहाँ पे नहीं पी सकते। ये बस ये पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट के साथ जब ओ यूज करते हैं तो हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम वा पार्टिकल यूज करते हैं, वा यूज करते हैं, तब हम उसको एज ए टॉपिक यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार लेसन 6 को देखिए और उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे इतनी मुश्किल कोई बात है नहीं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट, नाउन टाइम मादेनी वर्ब। दिस पैटर्न इंडिकेट्स द टाइम लिमिट बाय व्हिच एन एक्शन इज टू बी डन। कोई भी एक्शन करने का जो टाइम लिमिट है वो बताया जाता है इस पैटर्न के साथ। डेडलाइन मतलब उस वक्त तक वो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलने के लिए इंग्लिश में बाय दिस टाइम और बिफोर दिस टाइम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, इस वक्त तक ये काम हो जाना चाहिए, इस तरह से। एग्जाम्पल, माय फादर विल बी होम बाय 6 o'clock। मेरे पिताजी 6 बजे तक घर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है नॉट आफ्टर 6 o'clock, 6 बजे के बाद नहीं, 6 बजे से पहले हो सकता है, बिफोर 6 o'clock हो सकता है, लेकिन 6 बजे इसका डेडलाइन है, इस वक्त तक वो आ ही जाएंगे। सो इसको हम क्या बोलेंगे, चिची वा रोकुजी मादेनी कायरिमास। चिची माई फादर, रोकुजी मादेनी, जो नाउन है वो टाइम है और उसके बाद मादेनी। ठीक है, और उसके बाद जो एक्शन है, जो वर्ब है वो यूज करेंगे, चिची वा रोकुजी मादेनी कायरिमास, 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमोरो। सो यहाँ पे टुमोरो क्या है, एक टाइम है, सो बाय टुमोरो तो आश्ता मादेनी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, आश्ता मादेनी रिपोर्टो दासाना केरेबा नारीमासेन, मुझे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाकेरेबा नारीमासेन पैटर्न भी आ रहा है और साथ में ये मादेनी, डेडलाइन कल तक है, आश्ता मादेनी रिपोर्टो दासाना केरेबा नारीमासेन। ठीक है, रिपोर्टो दाशीमास, दाशीमास का क्या हो गया, दासा नाकेरेबा नारीमासेन, तो मादेनी अब समझ आ गया होगा। लेकिन आप लोग मादे से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमने पहले सीखा था मादे, तो मादे का मतलब क्या होता है, टिल या फिर अनटिल। हिंदी में हम उसको भी तक ही बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब अलग है। जैसे कि आई वेटेड अनटिल 10 o'clock, इसको हम ऐसे बोलते थे, जूजी मादे माची माश्ता, मैं 10 बजे तक वेट करता रहा। यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है कि बिफोर 10 o'clock। ठीक है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ तक आज का ग्रामर पैटर्न खत्म होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस टेस्ट। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, आश्ता यासुमी देश और साथ में ब्लैंक, क्या होगा। कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, ए बैंक्यो शिना केरेबा नारीमासेन, बी बैंक्यो शीते कुदासाई, सी बैंक्यो शिना कुतेमो ई देश। तो तीनों में से कौन सा होगा यहाँ पे सही ऑप्शन। So, आप लोग सोचने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना चले। तो पहले हम देख लेते हैं, बैंक्यो शिना केरेबा नारीमासेन, इसका मतलब क्या है, स्टडी नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मतलब करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, बैंक्यो शीते कुदासाई, पढ़ाई करो प्लीज। और थर्ड है, बैंक्यो शिना कुतेमो ई देश, पढ़ाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो आश्ता यासुमी देश, इसका मतलब है कल छुट्टी है, तो आज क्या बैंक्यो शिना केरेबा नारीमासेन, आज पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर आज के लिए ये अप्रोप्रिएट है कि पढ़ाई कर लो, या फिर आज पढ़ाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो अप्रोप्रिएट है कि कल अगर यासुमी है तो आज पढ़ाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये सेंस बन रहा है, इसीलिए सही ऑप्शन है सी, आश्ता यासुमी देश, बैंक्यो शिना कुतेमो ई देश। नेक्स्ट, किनयोबी मादेनी, और ऑप्शन है ए हॉन ओ कायसा नाइदे कुदासाई, बी हॉन ओ कायसा नाकेरेबा नारीमासेन, सी हॉन ओ कायसा नाकुतेमो ई देश। सो किनयोबी फ्राइडे, सो फ्राइडे तक। ठीक है, मादेनी डेडलाइन क्या हो सकता है ऑप्शन का, हॉन ओ कायसा नाइदे कुदासाई, कायसा नाई ये कायशी मास का नाई फॉर्म है, कायशी मास यानी रिटर्न, बुक रिटर्न नहीं करना प्लीज, या फिर फ्राइडे तक हॉन ओ कायसा ना केरेबा नारीमासेन, फ्राइडे तक ये बुक रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हॉन ओ कायसा ना कुतेमो ई देश, फ्राइडे तक ये बुक नहीं लौटाओगे तो भी ठीक है।
तो इसमें से appropriate कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब हम मादे नहीं बोल रहे, डेडलाइन दे रहे हैं, तो डेडलाइन में ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, इस तरह से हम नहीं बोलते। और पहले ऑप्शन में क्या है? मत करना, उस वक्त तक मत करना, ये नहीं बोलते हम। डेडलाइन के साथ हम कुछ मत करना नहीं बोलते। अगर ते कुदासा ही होता तो भी इसमें चलता है, लेकिन नहीं करना या फिर नहीं करने से भी चलेगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए यू मस्ट रिटर्न द बुक बाय फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे तक ये बुक आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट, सुमिमा सेन मो इचिदो देनवा बांगो ओ डैश। इसका ऑप्शन है ओशियनाई दे कुदासाई, बी ओशियते कुदासाई, सी ओशियना केरेबा नारीमा सेन। तो इसका क्या होगा सही आंसर? सुमिमा सेन मो इचिदो देनवा बांगो ओ, यहाँ तक मतलब क्या है इसका? सुमिमा सेन सॉरी या फिर एक्सक्यूज मी, मो इचिदो फिर से एक बार, देनवा बांगो ओ फोन नंबर, और उसके बाद ओशियन आई दे कुदासाई नहीं बोलना प्लीज, एक्सक्यूज मी फिर से एक बार फोन नंबर नहीं बोलना प्लीज, ये हो सकता है? नहीं। नंबर बी ओशियते कुदासाई, एक्सक्यूज मी फिर से एक बार फोन नंबर बोलना प्लीज, ये हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। और साथ में हम सी भी देख लेते हैं, सी में है ओशियन आकेरेबा नारीमा सेन, ये हम नहीं बोलते कि सॉरी एक्सक्यूज मी यू हैव टू टेल, ये हम सुमिमा सेन के साथ तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अप्रोप्रिएट हो जाएगा ओशियते कुदासाई, सुमिमा सेन मो इचिदो देनवा बांगो ओ ओशियते कुदासाई। नेक्स्ट, कोरेवा ताई सेत्सुना हॉन देस्कारा डैश। ऑप्शन है ए नाकुसा नाई दे कुदासाई, बी नाकुशिते मो ई देस, सी नाकुसा नाकुते मो ई देस। सो पहले हम इसका मतलब समझते हैं। कोरेवा ताई सेत्सुना हॉन ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है देस्कारा, इसलिए ऑप्शन नाकुसा नाई दे कुदासाई मत खोना प्लीज, बी नाकुशिते मो ई देस तुम इसको खो सकते हो। ठीक है, ये हम कब यूज करते थे? जब हम परमिशन देते थे। तो यहाँ पे किसी चीज का परमिशन तो नहीं लग रहा है सेंटेंस के साथ। और फिर सी नाकुसा नाकुते मो ई देस, नहीं खोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह का सेंटेंस हम यूज करते नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट बुक है तो नहीं खोगे तो भी चलेगा, इस तरह का कोई सेंस नहीं बनता। तो सही ऑप्शन है ए, ये इम्पोर्टेंट बुक है इसीलिए प्लीज मत खोना। ठीक है, कोरेवा ताई सेत्सुना होन देस्कारा नाकुसा नाई दे कुदासाई। तो आशा है आप लोगों ने सही ऑप्शंस चूज किए होंगे, और अगर सही ऑप्शन चूज करने में प्रॉब्लम हुई है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, तो आई एम श्योर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने ओहायो जैपनीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।